नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं फरवरी 2 का खास पाठ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध आर्द्र भूमि अर्थात नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें बहुत अधिक जैव विविधता है और बड़ी संख्या में जानवर, पौधे और पक्षी वहाँ रहते हैं। वे दूसरों के बीच में मिट्टी के कटाव को रोकने और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने में भी बहुत फायदेमंद है। वर्तमान में आर्द्र भूमि के नष्ट होने की दर लगभग 1% है, जो कि वनों के नष्ट होने की दर से काफी अधिक है। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु कार्य करने के लिए रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस को 1997 में मनाया गया था। इसके अलावा ऑप्टिमिस्ट डे, यह फरवरी के पहले गुरुवार को मनाया जाता है और इस साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा। यह दिन सकारात्मक भविष्य के निर्माण और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। एक आशावादी व्यक्ति के खुश और प्रेरित होने की संभावना अधिक होती है। यह दिन न केवल आशावाद बल्कि आशावादी क्लबों और सदस्यों का भी सम्मान करने का है, जिन्होंने युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई समुदायों का गठन किया है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 2 फरवरी 1814 को कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई थी, जो दुनिया के सबसे पुराने संग्रहालयों में शामिल है, और 2 फरवरी 1862 को शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने थे, और 2 फरवरी 1953 को अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था, और 2 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 122 संस्थाओं को 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन को अवैध घोषित किया था।